नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन की प्रमुखता में इस वक्त नेपाल, ईरान और पाकिस्तान सबसे ऊपर हैं। इन तीनों ही देशों को चीन अपनी विस्तारवादी की नीति के केंद्र में रखकर चल रहा है। पहले इन देशों में जिबूती पहले स्थान पर होता था, तब दुनिया के अधिकांश देशों को जिबूती में घुसपैठ कर रहे चीन की मंशा का ज्यादा पता नहीं था। वैसे भी पूर्वी अफ्रीका में महज 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले और 5 लाख की आबादी वाले इस देश को दुनिया ने गंभीरता से लिया भी नहीं, इसलिए चीन को यहां अपना प्रभाव बढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं आई। आज यह छोटा सा देश चाइना की कॉलोनी के रूप में स्थापित हो चुका है। जिबूती के साथ पाकिस्तान पर भी चीन अपना शिकंजा कसता जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल में भी चीन ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। अब अगर नेपाल को अलग करके देखें तो एक बात जरूर स्पष्ट हो जाती है कि चीन ज्यादातर मुस्लिम देशों को अपने जाल में फंसता है, चाहे वह अफ्रीका महाद्वीप का मुस्लिम देश हो अथवा एशिया के अन्य मुस्लिम मुल्क रहे हो। इसकी बड़ी वजह यही है कि मुस्लिम मुल्कों में हर वक्त सत्ता संघर्ष चलता रहता है या महत्वाकांक्षाएं ज्यादा होती है, जबकि इनमें निकम्मापन अधिक मिलता है, जिस वजह से भ्रष्टाचार पनपता है और चीन आसानी से इन्हें अपने चंगुल में जकड़ लेता है। चीन कहीं ना कहीं इनकी धर्मांतरण का भी फायदा उठाता है। ये मुल्क धर्म के आधार पर देश चलाने की कोशिश में रहते हैं, जहां लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए सत्ता केवल एक व्यक्ति के द्वारा संचालित होती है, जिसके द्वारा लिए गए फैसलों पर जनता अपनी आपत्तियां दर्ज नहीं कर पाती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल चीन की शान में जो महिमामंडन किया, उससे उनके चीनी प्रवक्ता होने का आभास होता है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरह चीन के शिकंजे में फंस चुका है। उसकी हालत जिबूती से भी बुरी हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान पर 43 लाख करोड़ रुपए का अंतरराष्ट्रीय कर्ज है, जो उसकी जीडीपी का करीब करीब 90% है। पाकिस्तान इस कर्ज पर हर साल 1,60,000 करोड़ रुपए ब्याज चुकाता है। आज की तारीख में पाकिस्तान के हर नागरिक पर 1.5 लाख के करीब उधार है। पाकिस्तान को अपने चंगुल में लाने के लिए चीन अपना हर पैंतरा चल रहा है। उसने पाकिस्तान पर $60 अरब से ज्यादा का भारी भरकम कर्ज लाद दिया है। यह कर चुका पाना पाकिस्तान के लिए कभी भी संभव नहीं होगा। वह छोटी बड़ी जरूरतों के लिए चीन के आगे हाथ फैला रहा है। पाकिस्तान के भ्रष्ट और धर्मांध नेता चीन के मोहपास में फंस चुके हैं और देश के प्राकृतिक संसाधन उसको सौंपते जा रहे हैं। पिछले दिनों बलूचिस्तान की खादानों का ठेका चीनी कंपनियों को दे दिया गया, वह भी सारे नियम कायदों को नजरअंदाज करके किया गया। जनता आवाज बुलंद इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि इंशाल्लाह और फौज का डंडा सिर पर मौजूद है, पर चीन का पाकिस्तान पर कब्जे का मिशन यहीं पर पूर्ण नहीं होता है। चीन की बड़ी चाल यही है कि अगर पाकिस्तान को अपने इशारे पर नचना है तो दुनिया में उसके अन्य मददगारों को उससे अलग करना जरूरी है। इसके लिए चीन ने जो चाल चली है उसमें पाकिस्तान इतनी बुरी तरह फंस गया है जिससे निकलना आसान नहीं है। अपनी विस्तारवादी नीति को अमली जामा पहनाने के लिए चीन ने पहले ईरान से नजदीकियां बढ़ाई। चीन जानता था कि ईरान के अन्य मुस्लिम मुल्कों की तरह महत्वाकांक्षा तो बहुत है, पर निकम्मापन और धर्मांतर यहां पर मौजूद है। चीन ने ईरान से अपने दोस्ताना रिश्तों को तेजी से बढ़ाया, फिर पाकिस्तान को भी ईरान से संबंध मजबूत करने का सुझाव दिया। पाकिस्तान चीनी मोहपास में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति शास्त्र को पढ़ नहीं सका और चीन के इस झांसे में फंस गया, जिसके बाद ईरान पाकिस्तान करीब आए, पर बड़ा नुकसान यह हुआ कि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी बढ़ती चली गई। चीन ने पाकिस्तान को मुस्लिम देशों का लीडर बनाने की घुट्टी ऐसी पिलाई की सऊदी अरब ने उससे अपनी तमाम रिश्तेदारियां तोड़ डाली। इसका नतीजा यह हुआ कि आज ईरान, तुर्की और चीन एक तरफ खड़े हैं, जबकि अरब देश एक तरफ हो चुके हैं। हालांकि इराक, कुवैत और कतर जैसे देश अभी भी तटस्थ की भूमिका में है, मगर वह अधिक देर तक पाकिस्तान का समर्थन कर सकेंगे इसमें अभी संशय बरकरार है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह मिडिल ईस्ट में इजराइल की एंट्री करा रहा है उसने सारे क्षेत्रीय समीकरण बदल दिए हैं। वहां चीन के साथ साथ उसके पिछलग्गू भी साइड हो जाएंगे और शायद चीन चाहता भी यही है। उसका पूरा फोकस पाकिस्तान को हड़पना है। पाकिस्तान का चीन के लिए अधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि स्ट्रेटेजिक रूप से पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। चीन इस मुल्क में बैठकर रणनीतिक और आर्थिक रूप में अपने विस्तारवाद को आकार दे सकता है। इसी मुल्क से वह भारत की घेराबंदी में भी सफल होता है तो अफगानिस्तान, ईरान भी उसकी विस्तारवाद की सीमा रेखा से जुड़ जाते हैं, जहां वे कर्ज के लॉलीपॉप इन देशों को चटाकर अपनी महत्वाकांक्षा को पंख दे सकता है। पाकिस्तान के साथ नेपाल भी अब चीन के हाथों में अपनी गर्दन थमा चुका है। नेपाल के साथ भी करीब करीब पाकिस्तान वाला खेल चीन खेल रहा है। जिस प्रकार सऊदी अरब से पाकिस्तान को दूर करके चीन पर उसे आश्रित किया गया, नेपाल को भारत से दूर करके उसे भी चीन अपने शीशे में उतार रहा है। यह चीन की पुरानी नीति है।
इसके मुताबिक अगर किसी देश को अपना करीबी बनाना है तो पहले उस कांटे को अलग कर दो जो उसमें बाधा बन सकता है। नेपाल के मामले में चीन के सामने भारत ऐसा ही एक कांटा था जिसने नेपाल के अर्थसंकट में न केवल मदद की बल्कि वहां पर विकास की बहुत सारी परियोजनाएं भी चलाई हुई है। मगर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचारी सोच और पीएम केपी शर्मा ओली जैसे दुराचारी और करप्ट नेता की बदौलत चीन अपनी चाल चलने में कामयाब हो गया। आज नेपाल की हालत ऐसी है कि वह चीनी कर्ज के मकर जाल में हर दिन के साथ फंसता जा रहा है। उधर नेपाल अपने विस्तारवाद के पंख इतने लंबे कर चुका है जिसकी जद में नेपाल के पहाड़ घाटी और नदियां भी आ गई है। नेपाल सरकार की एजेंसी के मुताबिक चीन 7 जिलों में उसकी जमीन हड़प चुका है। नेपाल के दोलखा गोरखा, धारचुला हुमला, सिंधुपाल चौक, शंखु आसबा और रसुआ जिले में चीन ने नेपाल की जमीन हड़प ली है। नेपाल में जमीन का नक्शों और भूमि सर्वेक्षण करने वाले विभाग के मुताबिक चीन दोलखा स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 1500 मीटर हिस्सा हड़प चुका है। चीन ने गोरखा जिले की सीमा पर पिलर नंबर 35, 37 और 38 को रिलोकेट किया है। वहीं नापा भाजियांग में बाउंड्री पिलर 62 पर भी जमीन हड़प ली है। पहले ये तीन पिलर गोरखा के रुई गांव टोम नदी के करीब थे। चीन ने पूरा गांव हड़पने के साथ इस इलाके को तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ दिया था। हालांकि अभी तक ये गांव नेपाल के नक्शे में मौजूद है और स्थानीय लोग नेपाल सरकार को अपना टैक्स देते हैं पर चीन इसे अपना इलाका घोषित कर चुका है। चीन द्वारा इस प्रकार कब्जा करना इसलिए भी आसान है क्योंकि नेपाल पाकिस्तान या अन्य गरीब देशों में भ्रष्टाचार ज्यादा गहराई तक पैठ बना चुका है। ऐसे देशों के नेताओं में प्रतिरोध प्रकट करने की क्षमता का नाश हो चुका है। यह नेता जनता की भलाई की सोचने की बजाय अपनी जेबें भरने में व्यस्त है। बड़ी बात यह है कि इन देशों में पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं इसलिए देश आसानी से चीन का शिकार बन रहे हैं। हालांकि श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को लीज पर देकर अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। श्रीलंका में चीनी छल ने ही दुनिया का ध्यान उसकी तरफ खींचा था पर इसके बाद भी चीनी मोहपास में छोटे देश बन रहे हैं। चीनी ने विकास के ख्वाब दिखाकर उन्हें हवा में उड़ा रहा है पर इन्हें ध्यान देना होगा कि दुनिया का अभी तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां चीन ने निवेश किया हो और वहां पर खुशहाली आ गई हो। जिन देशों में चीन ने एंट्री मारी वहां गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ गया। पाकिस्तान, नेपाल और जिबूती जैसे देश इसका उदाहरण है। मालदीव बामुश्किल चीन के चंगुल से निकल पाया है मगर अभी भी उसका एक द्वीप चीन के पास 40 साल के लिए लीज पर है। मगर भारत के प्रयासों से मालदीव आज कम से कम सुकून की सांस जरूर ले रहा है। इमरान खान जिस वक्त पाकिस्तान की सत्ता में आए थे तब वे चीन के बहुत हद तक खिलाफ थे मगर पिछली सरकारों ने चीन के जो चाटुकारिता की उसका शिकार इमरान को भी बनना पड़ गया। उन्होंने अपने शुरुआती कार्यकाल में सीपैक परियोजना को हाशिए पर कर दिया था मगर चीनी कर्ज में पाकिस्तान इतना लाचार हो चुका है जहां गर्दन उठाना बहुत मुश्किल हो गया है। तरक्की के ख्वाब दिखाते दिखाते चीन ने इस मुल्क की तकदीर भी अपने हाथ में ले ली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।